आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो, आज हम इस वीडियो में एक नया क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे? द 11 मेंबर कमिटी हेडेड बाय फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी रतन पी वटल इज रिलेटेड विद विच अमंग द फॉलोइंग कमिटी। जो 11 मेंबर कमिटी है जिसको हेड कर रहे थे फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी रतन पी वटल, उन्होंने ये कमिटी किस मैटर में करी, किस चीज से रिलेटेड थी। चार ऑप्शंस हमें यहाँ दे रखे हैं, तो चलिए हम पता लगाते हैं। सबसे लास्ट से लेके चलेंगे फाइनेंशियल इंक्लूजन इंक्लूसिव फाइनेंसिंग। देखो, फाइनेंस से रिलेटेड ये कमेटी नहीं थी, तो ये एकदम क्रॉस हो जाएगा। फिर इंडो पाकिस्तानी वॉर एंड सिमला एग्रीमेंट, इस तरीके का कोई भी एग्रीमेंट या फिर ऐसा कोई भी चीज इस कमेटी में डिस्कस नहीं हुई। वन रैंक वन पर्सन, तो ये भी बिल्कुल गलत है कि एक ही रैंक हो और एक ही पेंशन होनी चाहिए, इस बारे में भी कोई डिस्कशन नहीं हुआ। अब लास्ट आया इंसेंटिवाइज ट्रांजेक्शंस थ्रू क्रेडिट कार्ड्स एंड डिजिटल्स। एज वी नो कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो उसने सबसे ज्यादा क्या किस चीज पे फोर्स किया कि इंडिया जो है वो डिजिटल होना चाहिए। ठीक है, डिजिटल इंडिया होना चाहिए, और जो हम कैश लेस ज्यादा रहे, कैश में पेमेंट ना करके हम कैशलेस ज्यादा रहे, यानी कि हम सहारा लें यूपीआई का। ठीक है, या फिर जो भी हमारी ई बैंकिंग होती है या ई ट्रांसफर होता है, इन सब चीजों का हम ज्यादा सहारा लें, कुल मिला के हम डिजिटल बने। ठीक है, तो इस कमिटी के अंदर भी यही फैसला लिया गया कि जो ट्रांजेक्शन होनी चाहिए कार्ड्स के थ्रू या फिर डिजिटल जो पेमेंट्स होनी चाहिए, जो भी ट्रांजेक्शंस होंगी, तो वो इंसेंटिवाइज कर दी जाए कि लोगों को अट्रैक्ट किया जाए कि वो इनसे पेमेंट करें, ताकि उनको कुछ ना कुछ बदले में इंसेंटिव प्रोवाइड कर दिया जाए। जैसे कि आप इसका एग्जांपल देखते होंगे, जब आप गूगल पे पे ऑपरेट करते होंगे, कोई पेमेंट आप गूगल पे से दे रहे हैं, तो आपको एक स्क्रैच कार्ड मिलता है। तो वो स्क्रैच कार्ड क्या है? वो एक इंसेंटिवाइज ट्रांजेक्शन है कि आपने कुछ ट्रांजेक्शन करी और उसके बदले में आपको एक स्क्रैच कार्ड मिला। हो सकता है कि उस स्क्रैच कार्ड में आपका 5 रुपीज भी निकल आए, 1 रुपी भी निकल आए, इससे ज्यादा भी निकल कर आए, तो वो क्या है? वो एक इंसेंटिव आपको मिल रहा है पेमेंट करने पे, ट्रांजेक्शन करने पे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर होगा कि क्या हुआ उस कमेटी में, किससे रिलेटेड थी। तो वो रिलेटेड थी इंसेंटिवाइज ट्रांजेक्शन थ्रू कार्ड्स एंड डिजिटल। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।